मुजफ्फरपुर में साइबर फ्रॉड, डॉक्टर के खाते से 1,43,000 उड़ाए, केस दर्ज नहीं करने पर SSP से की शिकायत। मुजफ्फरपुर में चमकी को लेकर प्रशासन कर रहा तैयारी, SKMCH और सदर अस्पताल में बनाए गए अलग से वार्ड, ऑक्सीमीटर और ग्लूकोज मीटर की समेत जरूरी दवाओं की है व्यवस्था। मुजफ्फरपुर में हादसा, एक की हालत गंभीर, बेटी से मिलकर साइकिल से घर लौट रहे थे पिता, तेज रफ्तार बाइक ने मारी चक्कर, हायर सेंटर रेफर। गोपालगंज में पानी के लिए बहा खून, पड़ोसी के उप सरपंच समेत 5 लोगों की जमकर पिटाई, घायलों का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। नीतीश में नहीं रहा जोश, तारकिशोर बने CM, BJP विधायक विनय बिहारी की मांग, RJD ने कहा ज्यादा दिन टॉलरेट नहीं करेगी BJP, JDU को मोदी शाह पर भरोसा। गोपालगंज में कालाबाजारी के लिए रखा 600 बोरी चावल जब्त, बरामद बोरी पर लगा है SFC का टैग, गोदाम संचालक पर FIR दर्ज। 50 रुपए के लिए हुई मारपीट में एक की मौत, बेतिया में एक माह से इलाज कर रहा था पीड़ित, आज हो गई मौत। सुपौल में 4 दर्जन से ज्यादा पक्षियों की मौत, 3 दिन से कौवे, मुर्गियों और बतखों की जा रही है जान, बर्ड फ्लू की आशंका। रेलवे यात्रियों को अब टिकट लेने में नहीं होगी परेशानी, मुजफ्फरपुर समेत इन स्टेशनों पर लगाए गए 13 ATVM मशीन। आज बक्सर नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा, अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक सवार 3 दोस्तों को मारी टक्कर, 1 की मौत। बिहार बोर्ड के टॉपर्स को ऐसे प्रोत्साहित करेगी सरकार, फर्स्ट टॉपर को 1 लाख, सेकंड को 75,000, थर्ड टॉपर को 50,000 मिलेगा। शेखपुरा में बदमाशों ने उड़ाए होमगार्ड जवान के 40,000, बैंक से रुपए निकाल कर जा रहे थे घर, बीच रास्ते में ऑटो से उतार, सब्जी लेने के दौरान हुई घटना। औरंगाबाद में लोगों ने किया मदनपुर थाने का घेराव, प्रतिमा के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग, पुलिस ने मांगा 2 दिनों तक का वक्त। बघा के अनुमंडलीय अस्पताल में प्रसव के लिए मांगा 5,000, परिजनों ने दिया 2,400, फिर भी नहीं माने प्रभारी उपाधीक्षक, बोले आवेदन की जांच की जा रही है। बेतिया में 3,90,000 की धोखाधड़ी, बोले रूह दिलवाने के नाम पर दिया चेक, हो गया बाउंस, चौकीदार पुत्र से 3 के खिलाफ प्राथमिकी। मुंगेर में सड़क हादसे में युवक की मौत, ससुराल से घर लौट रहा था, गड्ढे में गिरने से हुआ हादसा। मिठाई बेचने वाले की बेटी बनी सेकंड टॉपर, नवादा की सानिया को मिले 486 अंक, गणित में कटे 4 नंबर। गायघाट रिमांड होम की सुपरिटेंडेंट को नहीं मिली जमानत, SIT ने अब तक जमा नहीं की केस डायरी, वंदना गुप्ता को बचाने का आरोप। बिहार बोर्ड 10वीं के रिजल्ट में 80% पास टॉपर्स, फैक्ट्री सिमुलतला के टॉप 10 में 5 स्टूडेंट्स मजदूर का बेटा बना सेकंड टॉपर। सिवान में आपस में भिड़े दुकानदार, आइसक्रीम नहीं बेचने का किया विरोध, तो जमकर हुई पिटाई, गंभीर हालत में सदर अस्पताल रेफर। सिवान में CO पर फरियादी को पिटवाने का आरोप, शिकायत को लेकर पहुंचा था पीड़ित, जिलाधिकारी ने प्रधान सहायक को बोल लात जूते से पिटवाया। महाबोधि मंदिर पहुंचे रामायण के राम बौद्ध भिक्षु का जीवन जी रहे गगन मलिक, भगवान बुद्ध को भेंट की खीर। बालू खनन मामले में काराकाट के CO पर कसा शिकंजा, रोहतास DM ने बनाई 3 सदस्यीय जांच टीम, 14 दिन से मांगी है रिपोर्ट। नियुक्ति पत्र मिलते ही खिल उठे युवाओं के चेहरे, पशुपालन विभाग द्वारा युवाओं को पशु मैत्री पद के लिए जांच के बाद दिए गए प्रमाण पत्र। घर के बाहर सो रहे युवक की बुरी तरह पिटाई, रोहतास के डेहरी की घटना, आधी रात पीट कर किया अधमरा, गंभीर हालत में NMCH में भर्ती। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय CUSB के अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में CUET 2022 के माध्यम से नामांकन आवेदन प्रक्रिया 2 अप्रैल 2022 से शुरू। गया में चोरी की बाइक के साथ धराए 2 बदमाश, पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाकर 3 बदमाश को पकड़ा, 1 चकमा देकर हुआ फरार। बिल गेट्स ने की बिहार के सोशल वर्कर की तारीफ, सुधा वर्गीज का वीडियो ट्वीट कर लिखा हीरोइन इन द फील्ड, सुधा बोली सिर्फ तारीफ नहीं आर्थिक मदद करनी हूँ। RFP जवान पर यौन शोषण का आरोप, माँ भाभी गिरफ्तार, शादी का झांसा देकर बक्सर ले गया, लॉज में बनाया शारीरिक संबंध, 5 महीने पहले युवती ने कराया था FIR। बिहार संस्कृत बोर्ड की परीक्षा 4 अप्रैल से, सीतामढ़ी के 12 संस्कृत विद्यालयों में बनाया गया परीक्षा केंद्र, सभी तैयारी पूरी। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।